क्योंकि देश का सर्वनाश करने वाला अगर कोई है तो एक तरफ अंधभक्त और एक तरफ ये नेशनल मीडिया के गोदी मीडिया के चैनल। तो आज सही मायने में उसी घंटे उसी क्षण बंदे को उठा लिया जाता है। पर आज हमारी दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं हमें लाचार नजर आ रही है, तो ये प्रेशर ही तो है। वेंटिलेटर पे लेटी हुई हिंदुस्तान की कमेटियां बिल्कुल उस कोमा में गए पेशेंट की तरह हैं। वो कब जांच करेंगी, कब खड़ी होंगी, कब बदलाव होगा, कब गिरफ्तारी होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। ठंडे बक्से में डाल दी जाती है। एट द एंड ये मुद्दा है कि आपके गुंडे बदमाश आज पहलवानों को धमकियां दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को धमकियां दे रहे हैं, इनको जेड प्लस सिक्योरिटी कब दी जाएगी? आप समझो इस बात को। आज उनको अपने संविधान पर विश्वास नहीं है, आज बाबा साहब पर विश्वास नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर जब तक संविधान की होली जलाई जाएगी, जब तक आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो कम से कम जो खेल के वो अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं कुश्ती के, उस अध्यक्ष से उनका इस्तीफा होना चाहिए, तभी जांच हो पाएगी। नहीं तो बड़े बड़े अफसर डरेंगे, आप समझो। प्रियंका गांधी की और राहुल गांधी के, उनको बोला अरे आज गांधी साहब हैं राहुल गांधी जी जो मुद्दों की बात करते हैं। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसका, उसका जवाब दो, आज तक उसका जवाब नहीं आया। जेपीसी की गठन करो, उसकी मांग कर रहे हैं। आज हमारे पास जमीनी मुद्दे बहुत है कांग्रेस वालों के पास लड़ने के लिए। हमें पहलवानों की जरूरत नहीं है, हम बेटियों का इस्तेमाल नहीं करते राजनीति में। ये राजनीति में बेटियों का, बहु बेटियों का इस्तेमाल करने वाला कोई है तो ये भाजपा वाले हैं, जिनका दोहरा चरित्र हमें नजर आ रहा है कि जो बहन बेटियों को भी ये सोच रहे हैं कि उनको षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने बिठाया या राजनीतिक पार्टियों ने बिठाया। हर गुनहगार यही बोलता है, एक पागल भी यही बोलता है। अभी मैं आपको बोलूंगा आप पागल हो या सभागार है, मैं तो पागल नहीं हूँ, तो आप समझे इस बात को। एक पागल भी तौर पर इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे गद्दी पे बैठे इस्तीफा, आप समझो अपराध की जांच ही नहीं हो पाएगी। आप समझो इस बात को, आप इस बात को समझो। जब तक एक आदमी गद्दी पे बैठा है उसकी जांच कभी नहीं हो सकती। आज दबाव बना देगा पुलिस के ऊपर, आप समझो डीसीपी के तबादले करवा देगा, जो उसकी जांच करने आएगा उसी का तबादला हो जाएगा, जांच कैसे होगी? आप समझो इस बात को। तो आज नहीं ऐसा नहीं होता, कार्यकाल पूरा होने तक किससे खत्म कर दिए जाएंगे, सबूत मिटा दिए जाएंगे। अच्छा। आज सबसे बड़ी बात देखो, आज सही मायने में पोस्को एक्ट के अनुसार ये कब लगता है मैं आपको बता दूं। ये एक्ट लगता है, मैं भारत के लोगों को भी बता दूं, ये पोस्को एक्ट जब लगता है जब 18 साल से छोटी बच्ची के साथ कोई दुराचार होता है, उसके गुप्त अंगों के साथ छेड़छाड़ होती है, तब ये मुद्दा लगता है। और इसमें एक बलात्कार से भी बड़ी सजा 10 साल की और आजीवन कारावास की सजा होती है। तो आज सही मायने में उसी घंटे उसी क्षण बंदे को उठा लिया जाता है। पर आज हमारी दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं हमें लाचार नजर आ रही है, तो ये प्रेशर ही तो है। और इस प्रेशर को हटाने के लिए FIR तो भैया आप पे करा दें, आप उसी समय उठ जाओगे, आप समझो। पर आज वो लोग नहीं उठ पा रहे। क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। पुलिस हो जाए, महकमे हो जाए, कोर्ट हो जाए, कचहरियाँ हो जाए, उन पर दबाव बनाने में बहुत अच्छे से आते हैं। पर आज हमारे देश के लोगों को चाहिए कि वो सड़कों पर उतरे, ब्रिजमोहन का, ब्रिजभूषण का, जो उसके खिलाफ मोर्चे खोलें, गली गली में, यूपी में उसके दरवाजों के बाहर प्रदर्शन होने चाहिए। ये किसानों का प्रदर्शन जो गली गली नजर आया था, ऐसी ही पहलवानों का प्रदर्शन गली गली नजर आना चाहिए। जब तक आप गली गली प्रदर्शन को नहीं पहुँचाओगे तब तक आवाज़ मजबूत नहीं होगी। ये आज FIR सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुई है, आप समझो। सरकार तो उस चीज़ के लिए भी राजी नहीं थी, तो आज ये सुप्रीम कोर्ट कहीं जरा मासा बचा कुचा है हमारे देश में, जहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं, वरना बाकी छोटे मोटे कोर्टों के फैसले तो हमें कहीं समझ में भी नहीं आते। उन्होंने बोला कि विनेश फोगाट की वजह से मैं सांसद नहीं बना हूँ, जनता के प्यार की वजह से 6-6 बार सांसद बना हूँ। देखिए, जनता के प्यार से बने हैं या बंदूक की नोक पे बने हैं या वो षड्यंत्र का हिस्सा बन के बने हैं या लोग उनको सही में प्यार करते हैं, ये तो जमीनी सर्वे का मुद्दा है। जब आप उनकी संसदीय क्षेत्र में जाओगे, आप वहां की जनता से पूछोगे, तो वो आपको बताएंगे कि उनके मन में क्या था, उन्होंने वोट क्यों दिया। वो एक अलग बात है, क्योंकि आज भाजपा के तो कई लोगों को चेहरे भी नहीं पता। आज लोगों ने तो मोदी के नाम पे मोहर मार दी, आप समझे इस बात को। उसी में चोर उचक्के सबकी नैया पार लग गई। ऐसी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जो है, आप समझो इस बात को, ऐसी दिल्ली में जो केजरीवाल है, केजरीवाल के चेहरे के ऊपर मोर लगती चली गई, कोई उठाई गिरोह को भी इन्होंने बना दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक अगर सांसद अपने सांसद बने तो वो अपने दम पे बने, ये जमीनी सर्वे का मुद्दा है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बोल रहे कि बार बार पहलवान अपनी मांग बदल रहे हैं, पहले उन्होंने बोला था कि FIR हो जाएगी तो उठ जाएंगे, अब बोल रहे कि इस्तीफा और गिरफ्तारी। हाँ, तो वो यही तो मुद्दा था कि FIR का मतलब ये था कि भैया जांच होगी, FIR होगी, बंदे को पकड़ा जाएगा, मुद्दा तो यही है। आप अगर एक मान लीजिए कि आप FIR कर देते हो उसके बाद अरेस्ट नहीं करते हो तो हमारा मुद्दा तो दब गया। आज आप किसानों के मुद्दे को देख लो, 1.5 साल तक लगातार किसान बैठे रहे, उन्हें एक लॉलीपॉप दे दिया बाद में, जिसको बहुत सारे किसान नेताओं ने भी समर्थन दिया, हम लोग बेवकूफ बन गए उसके अंदर, 1.5 साल तक किसानों के समर्थन में खड़े रहे, और वो आज लॉलीपॉप ये देखने को मिल रहा है कि MSP की गारंटी अब तक नहीं मिली। और पंजाब में आए दिन हमारे पहलवान बैठे होते हैं, आप समझो, पहलवान कह रहा हूं, किसान बैठे होते धरती के ऊपर, आए दिन वहां पर आंदोलन चल रहे, पर आज वो हाईलाइट नहीं हो रहे, उनको दबा दिया गया। देखिए, एक बात याद रखना, कोई भी मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर हो वो एक ही बार खड़ा होता है,
और एक ही बार उसके अंदर अगर सुनवाई हो गई तो हो गई। अगर आज हमारी यहाँ से बहन बेटियाँ उठ गई, आज हमारे यहाँ से जो किसानों के साथ पहलवान बैठे ये उठ गए, तो दोबारा ये आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा और दोबारा इसको समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे ये तो घड़ी घड़ी नाटक करते हैं। पर आज ये सच्चाई है कि अगर हमारे ऊपर ये तोहमत नहीं चाहिए कि हम नाटक करते हैं, हम सही मायने में मुद्दे के खड़े हैं, तो आज उसकी जाँच हो, उसका इस्तीफा हो, उसकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद हम चले जाएंगे। आप उसको अरेस्ट तो करो, उसके आप उसके इस्तीफे तो करवाओ। आप एक बंदे को पावर में बिठा करके, आप समझो इस बात को, आप एक बंदे की बंदूक लटका दी आपने AK-47 और उसके बाद बोल रहे हो अरे तुझे कुछ नहीं कहेगा, जा भिड़ तो सही, तो भिड़ तो सही, कुछ नहीं कहेगा। अरे AK-47 है भैया, दो मिनट में चला दी तो 50 निपटा देगा। तो आप समझो, जब तक एक बंदा पावर में बैठा है कोई पुलिस वाला हिम्मत ही नहीं करेगा। जो पुलिस वाला कहेगा सर आपको अरेस्ट करने आए हैं, कहाँ पे है, क्या नाम है, ये तंबा, चल तेरा तबादला, आप क्या कर लोगे, सुनवाई नहीं होगी। आप समझो ना इस बात को, कमेटी में विश्वास के लिए बोल रहे हैं, कमेटी में कहेगा विश्वास करना, किसानों वाली कमेटी आए दिन बदल गई थी। आप समझो इस बात को, कमेटी क्या होती है, कमेटी एक मारे, मैं अपना पर्सनल मानता हूँ, राजनीति का अगर मैं आदमी हूँ तो मैं कहूँगा नहीं कमेटी होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। पर अगर आप मेरे को एक भारतीय की तरह सुनो, आप हटा दो कि मैं कांग्रेस से हूँ, आप हटा दो कि मैं राजनीति को, पर अगर आप मेरे को नॉर्मल सुनो तो ये कमेटियाँ बहुत बड़ी लॉलीपॉप होती हैं। आप समझो इस बात को, ये एक ऐसी लॉलीपॉप होती हैं कि एक आदमी को आश्वासन तो होता है। आप समझना, आपने कभी वेंटिलेटर के ऊपर कोमा में गए पेशेंट देखे हैं? कोमा में गए पेशेंट क्या होते हैं? वो जिंदा तो हैं पर जिंदा नहीं भी हैं, वो कब खड़े होंगे हमें पता नहीं। तो आज हिंदुस्तान की कमेटियां भी वेंटिलेटर पे लेटी हुई, वही आप समझो, वेंटिलेटर पे लेटी हुई हिंदुस्तान की कमेटियां बिल्कुल उस कोमा में गए पेशेंट की तरह हैं। वो कब जांच करेंगी, कब खड़ी होंगी, कब बदलाव होगा, कब गिरफ्तारी होगी, हम कुछ नहीं कह सकते, ठंडे बक्से में डाल दी जाती है। एट द एंड ये मुद्दा है, अराजकता क्या, हम बैठे हैं, हम कौन सा कह रहे हैं, हम तुम्हारे यहाँ पे कपड़े फाड़ते फिर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं धूप छांव हवा में बैठे हैं, हमें क्या मतलब है। पहलवान यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, थोड़े दिन में आपने देखा था राकेश से कहते हैं वहाँ पे फसलें उगा दी थी गाजीपुर पे, आपको पता होगा शायद अगर आप वहाँ पे थे, तो थोड़े दिन में यहाँ पे गोल गोल हम मिट्टी खुदवा देंगे और यही अखाड़ा बना देंगे, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, बाथरूम यहाँ पे बने हुए हैं, नहाने धोने की कोई दिक्कत है नहीं है, ये बहुत लंबा चलेगा। आप समझो, मैं बिजली पानी ये खंबे लगे हुए हैं, बिल हम भरेंगे, हम भरेंगे। वो तानाशाही है, वो डर दिखाता है कि तुम कभी किसानों की बिजली काटते थे, किसानों की लाइट बंद करते थे। आप समझो इस बात को, आज किसान आंदोलन के वक्त भी पानी बंद कर दिया गया था। अरे ये तो भौतिक जरूरतें होती हैं, ये तो देश के अपराधी को जेल में भी मिलती हैं। तुम तो मोदी सरकार जेल से बुरा हाल बना दोगे, एक आदमी को जेल में भी पानी खाना पीना ये बेसिक नीड है आदमी की। आप समझो, मानव अधिकार के लोचना है अगर आप इन चीज़ों को हटाते हो तो। पर आज ये लाइटें काट दी जा रही हैं, ये दबाव बनाया जा रहा है, ये मेंटली तौर पर प्रेशर डाला जा रहा है, ये एक किसानों को जैसे दबाने के लिए आपको पता होगा गुंडे भेज दिए गए थे, तो आज ऐसी पहलवानों को दबा तो सकते नहीं, गुंडागिरी से पटकियां मार मार के सर फाड़ देंगे एक बंदे का। तो आज ये पहलवानों को डराने के लिए लाइटें बंद करना, ये छोटी मोटी हरकतें करना, तो अरे आज धमकियां देने वाले अगर लोग हैं तो आज सरकार को चाहिए कि Z+ Security, तो मैंने पिछली बार भी कहा था, आप कंगना को दे सकते हो जो अर्धनंगी औरत सड़कों पर निकल जाती है आधे आधे कपड़े पहन करके, देश में संस्कृति को मिट्टी में मिला रही है, उसको आप Z+ Security दे रहे हो, जिसके साथ हमारे देश की जो पुलिस चल रही है वो भी आंखें घुमा के चल रही है कि भैया इसको कैसे देखें। आप समझो, पर जो हमारे देश में तिरंगे को ओढ़ के चल रहे हैं उनको आप नहीं दोगे सिक्योरिटी। आज सही मायने में अगर ये धमकियां मिल रही हैं तो हम सभी लोग मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि आपके गुंडे बदमाश आज पहलवानों को धमकियां दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को धमकियां दे रहे हैं, इनको Z+ Security कब दी जाएगी? आप समझो इस बात को, या हमारे देश के पहलवान को Z+ Security नहीं मिलनी चाहिए क्या? उनके ऊपर भी अत्याचार होगा जैसे किसानों की शहादत हुई, आप क्या चाहते हो कि हमारे पहलवानों को आप षड्यंत्र का हिस्सा बना के मोहरा बना करके कुछ हानि पहुंचा सकते हो? तो आज मोदी सरकार को चाहिए कि जब तुम्हारे खुले नेता उनको धमकियां दे रहे हैं, खुले मन से धमकियां दे रहे हैं, तो तुम आज उसकी गिरफ्तारी को और मजबूत एक्ट लगा के करो। आज पुलिस वालों को चाहिए कि के भी एक्ट लगाओ, धाराएं लगाओ, ऐसे ही धाराएं लगा दो कि आजीवन बंदा वहीं बैठा रह जाए, बाहर निकलने की सोच ही ना सके, जेल से इलेक्शन लड़ने की भी उसके अगर सपना है तो उसको लगे इतनी धाराएं निकली हैं कि बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर ये मोदी सरकार को चाहिए कि आप हमारे पहलवानों की सिक्योरिटी बढ़ाओ, हमारे देश के अंदर जितने भी यहाँ पे समर्थन करने वाले लोग हैं उनकी फुल चेकिंग करो, किसी के पास किसी भी तरह का कोई औजार ना हो, और उनका जो बैरिकेडिंग से अंदर जाने का रास्ता है वहां पे भी उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, किसी भी तरह का धार्मिक चीजें भी। अगर आज मैं सिख हूँ, अगर मेरे पास भी कृपान है तो भी अगर मैं जाऊँगा या तो मैं ना जाऊँ,
या मैं अपने जो सामान जो चीज़ें हैं उनको इज्जत से गुरुद्वारे में अर्पित करके जाऊं। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि हमारे पहलवानों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आज खुली धमकियां आ रही हैं पर मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। मोदी सरकार डरपोक है, मोदी सरकार डरती है। मोदी जी, मोदी सरकार हुकूमत, मेरी बात समझो, मोदी सरकार संविधान से डरती है। आज संविधान की जो बेइज्जती कर रही है, मोदी सरकार आवाम से डरती है, मोदी सरकार किसान से डरती है, मोदी सरकार जवान से डरती है, मोदी सरकार पहलवान से डरती है और मोदी सरकार विपक्ष से डरती है। आज मोदी सरकार योगी सरकार लेकिन डरती नहीं है गोलियों से, गोलियां तो डरती है। वही तो मैंने आपको बोला, संविधान की अवहेलना हो रही है। आज उनको अपने संविधान पे विश्वास नहीं है, आज बाबा साहब पे विश्वास नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर जब तक संविधान की होली जलाई जाएगी, जब तक आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, आप समझ इस बात को। आज आप योगी जी का तो छोड़ दो, अभी मुख्तार अंसारी का भी किस्सा गोल कर दिया उन्होंने, अफजल अंसारी को भी पैक कर दिया उन्होंने, आज 4 साल के लिए उसकी भी उसको जेल डाल दिया। अभी लेटेस्ट न्यूज है आज की, अफजल अंसारी भी गया, सदस्यता भी रद्द होगी, सांसद था, मुख्तार अंसारी भी 10 साल के लिए गया और 5 लाख का जुर्माना हुआ। ये आप ब्रेकिंग न्यूज में चलाना, पर आज हमें यह डर है कि मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी की क्या सुरक्षा बढ़ाई जाएगी या धर्म देख करके इनके साथ भी प्लान कोई हत्या का सिलसिला हो सकता है। आखिरी सवाल, 6 दिन बाद FIR दर्ज कर दी गई है, अब क्या लग रहा है, होगी कार्रवाई ढंग से जिस तरीके से होना चाहिए? देखिए, एक छोटी सी बात है कि आज कार्रवाई के लिए तो बैठे हैं। आपने कल बजरंग पुनिया का बयान नहीं सुना, आपने शायद साक्षी मलिक का बयान नहीं सुना। उन्होंने खुले में बोला है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसका इस्तीफा नहीं होगा। उन्होंने, साक्षी मलिक ने बोला, हम चाहते हैं कि वो अपने संसदीय पद से भी इस्तीफा दें, पर अगर वो नहीं भी होता तो कम से कम जो खेल के वो अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं कुश्ती के, उस अध्यक्ष से उनका इस्तीफा होना चाहिए, तभी जाँच हो पाएगी। नहीं तो बड़े बड़े अफसर डरेंगे, आप समझो। आज जिससे पूछताछ करने के लिए CBI में बुलाया जाएगा, उसका फोन आ जाएगा, मेरे खिलाफ कुछ बोला, तबादला करा दूंगा, निकाला करा दूंगा। अरे बड़े बड़े नेता भैया, सांसद है 5-5 बार के, आप समझो, आप समझो 5-5, 6-6 बार के सांसद हैं, बड़े दबंग आदमी हैं, यूपी में नाम है। आज लोग थरथर कांपते हैं, आज हमारे देश की राजनीति में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि थरथर कांपने वाले लोग, जो थरथर कंपवाने वाले लोग हैं, वो नेता बन के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश कमजोर लोगों के हाथ में है, गुंडों के हाथ में है। गुंडों से देश को बचाना है, पहलवानों को समर्थन देने आना है, मोदी सरकार को भगाना है। 2024 के अंदर ऐसी सरकार बनाओ जो जनता के मुद्दे उठाती है, जनता को मजबूत बनाती है। कुछ भी नहीं होने वाला है, मेनस्ट्रीम मीडिया सब बेईमान है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद। देखिए मेरी बात, आज मैंने हमेशा मीडिया ने बेड़ा कर किया हुआ है, मीडिया साथ नहीं देता। मैं हमेशा बोलता हूँ, बिल्कुल साथ नहीं। आज आज मोदी सरकार वो अपाइज है, आप समझो, आज मोदी सरकार वो अपाइज सरकार है जिसकी दोनों टांगे नहीं है, और वो दोनों टांगे जो हैं वो मीडिया ने बैसाखियां बन के संभाल रखी हैं। अच्छा। अगर आज आप समझ लो कि वो बैसाखियां उससे छीन ली जाएं, तो वो अपाइज इंसान सड़क पे गिर जाएगा, बेचारा चल नहीं पाएगा। तो आज वो बैसाखियां हैं मीडिया, अगर वो नेशनल मीडिया की बैसाखियां मोदी सरकार से अलग कर दी जाएं, मोदी सरकार जहां नजर आ रही है वहीं नजर आएगी, जमीन में धरती चली जाएगी, उभर नहीं पाएगी, खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता सिंह को भी यहां से मुर्दाबाद के नारे, हाँ वो लगेंगे, गोदी मीडिया के मुर्दाबाद के नारे हर जगह लगेंगे। जब तक हमारे देश में गोदी मीडिया को समर्थन देने वाले लोग हैं, आज अंधभक्त जिनको बोला जाता है, अंधभक्तों के नाम के भी मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए और गोदी मीडिया के भी लगने चाहिए, क्योंकि देश का सर्वनाश करने वाला अगर कोई है तो एक तरफ अंधभक्त और एक तरफ ये नेशनल मीडिया के, गोदी मीडिया के चैनल। मीडिया सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, बिल्कुल उनसे जवान नहीं है। देश के अंदर अपराधियों को आप सुरक्षा दो, आज सही मायने में अपराधियों को सुरक्षा की भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि गलत तरीके से संविधान गलत हाथों में है, आप समझो। और हमारे देश के बाबा साहब कहते थे कि जब संविधान चलाने वाले लोग हैं, अगर ये गलत तरीके के लोग होंगे तो हमारे संविधान की बहुत ज्यादा आलोचना होगी और अवहेलना होगी, और आज वही हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, आज अगर ऐसा कुछ होगा तो आज सबसे पहले योगी सरकार का इस्तीफा आना चाहिए, और जबकि मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अतीक के जो उनके माथे के ऊपर निशान लगे हुए हैं वो सही मायने में निशान ही हैं, और वो अभी हटे भी नहीं हैं। तो आप समझो, जुम्मा अभी 10 दिन नहीं हुए, तो आप समझो कि मुख्तार के ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लंबी कार्रवाई चलेगी, इनको सजा होगी और बहुत बाद में सोचा जाएगा। अरे गर्मी निकाल दी, शादियां करके निकाल लेते ना भैया, खामा कम संविधान को हाथ में लेके काहे गर्मियां निकालते फिर रहे हो, योगी जी से पूछो, आप समझो इस बात को। गर्मी निकालने के और भी साधन होते हैं, गुंडों को मार के गर्मी निकाली नहीं जाती। भैया हम ये देखते हैं कि हो सकता है वो इंडिया में हो ही ना, हो सकता है कि आज उसके पति को अतीक अहमद को ये पता हो कि भैया हादसे का शिकार मेरी बीवी भी हो सकती है, हो सकता है कि दुबई में बैठी हो, किसी खाड़ी देश में बैठी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, संबंध तो होते हैं ऐसे नेताओं के। तो आज हम ये बात बोलते हैं कि शायस्ता परवीन को टारगेट किया गया, आप सजा जो बनती है मुजरिम की वो सजा दो, आप कानून को अपने हाथ में मत लो, आप कानून की वर्दी पहन करके, कानून की बंदूक के हाथ में लेकर के, अगर कानून के हाथ में लोगे तो देश मजबूत नहीं, देश कमजोर होगा। अरे तो आज भारत ने थाली भी बजाई थी, इससे क्या मतलब है, ये थाली बजाने से देश मजबूत हो जाएगा क्या?
आज हमारे देश को कमजोर अगर कोई कर रहा है तो वो ऐसी नेता कर रहे हैं, योगी जैसे ऐसी नेता कर रहे हैं मोदी जैसे, क्योंकि देश को मजबूत करने के लिए संविधान को मजबूत करना जरूरी होता है। आप संविधान को मजबूत करो।